हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आवर टुडेज टॉपिक इज़ कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी। आज हम पढ़ेंगे कि विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से कैसे बनता है या फिर कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा कन्वर्ट कैसे होता है विटामिन डी में। तो उसके पहले हम जानते हैं कि विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी क्या होता है? एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज करने के लिए इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन करने में ये विटामिन डी जो है हेल्प करता है। फिर विटामिन डी इज़ इसेंशियल फॉर सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग मेंटेनिंग हेल्थी बोन एंड टीथ। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बोन्स को हेल्दी बनाता है और हमारे टीथ को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले अदा करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्ले। फिर उसके बाद क्या है, इट मे ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ रेंज ऑफ डिजीज़। ये बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, लंग फंक्शंस हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो गया, और ये हमारा रेगुलेट करता है इंसुलिन लेवल। इंसुलिन लेवल भी ये रेगुलेट करता है। तो हमारे विटामिन डी के ये इतने इतने आप कह सकते हैं फंक्शन है जो हमारे बॉडी में करते हैं। पहला है वो डायबिटीज़ से बचाता है, लंग के फंक्शन को मेंटेन करता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हमारा रेगुलेट करता है सही से, और रेगुलेट करता है हमारे इंसुलिन लेवल को। अब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की जब सिंथेसिस होती है तो इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। कौन सा है वो? 7-हाइड्रोक्सीकोलेस्ट्रॉल। 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह काम करता है। मतलब ये इनिशियल प्रोडक्ट है जो बनता है, उससे जो फिर उसके बाद जो चेन चलती है उसके बाद जो हमारा विटामिन डी है वो एक्टिव फॉर्म में आता है। तो ये क्या है कि 7-हाइड्रोक्सी जो कोलेस्ट्रॉल है, हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, वो फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, इसका बनना बहुत ज़रूरी है। और ऑन द एक्सपोजर टू सनलाइट 7-हाइड्रोक्सीकोलेस्ट्रॉल जो है इस कन्वर्टेड इंटू कोल कैल्सीफिरॉल, जिसको बोलते हैं हम विटामिन D3, इन द स्किन में, एंड फाइनली कन्वर्टेड इंटू कैल्सीट्रियॉल जो कि हमारा एक्टिव फॉर्म है कह लीजिए। तो हमारा क्या है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो पहले जब उसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है हमारा, जिसको बोलते हैं 7-हाइड्रोक्सीकोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो हमारा जो कन्वर्जन है, अब देखिए विटामिन जो डी है हमें दो तरीके से मिलता है, या फिर दो कह लीजिए कि दो टाइप से हम विटामिन डी को हम अपने बॉडी में एक्टिव कर सकते हैं। पहला तो है सनलाइट का एक्सपोजर और दूसरा है डाइट्री सोर्स। अब सनलाइट के एक्सपोजर से हमें विटामिन डी नहीं मिलता। ठीक है, सनलाइट के एक्सपोजर से विटामिन डी नहीं मिलता। सनलाइट के एक्सपोजर से क्या होता है कि हमारे अंदर के जो विटामिन डी हैं वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो इसको हम देखते हैं सनलाइट के एक्सपोजर के लिए कन्वर्जन कैसे होता है सनलाइट के एक्सपोजर से। सनलाइट के एक्सपोजर से क्या हुआ, सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो स्किन में गई, और क्या हुआ, 7-डीहाइड्रोक्सीकोलेस्ट्रॉल जो है, डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो कन्वर्ट होता है प्रो विटामिन D3 में। किसमें कन्वर्ट होगा? 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रो विटामिन D3 में। फिर उसके बाद थर्मल आइसोमराइजेशन होगा इसमें। थर्मल आइसोमराइजेशन के बाद जो प्रो विटामिन D3 है वो कन्वर्ट होगा विटामिन D3 में, जिसको बोलते हैं कोल कैल्सीफिरॉल। फिर हमारा कोल कैल्सीफिरॉल जो है वो जो विटामिन डी है कोल कैल्सीफिरॉल है वो जाएगा लीवर में। क्यों? क्योंकि लीवर में हमारा 25-हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम प्रेजेंट है, और ये जो विटामिन डी है जब लीवर में जाएगा तो ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये एंजाइम क्या करेगा, विटामिन D3 को 25-हाइड्रोक्सीविटामिन D3 में कन्वर्ट करेगा। फिर ये जो 25-हाइड्रोक्सीविटामिन D3 है वो जाएगा किडनी में। किडनी में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि किडनी में ही ये 1-हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है, और विटामिन 25-हाइड्रोक्सीविटामिन D3 है वो इन द प्रेजेंस ऑफ 1-हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,25-डाईहाइड्रोक्सीविटामिन D3 जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का, वो बन जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी इसके फंक्शंस हैं वो कैरी आउट होंगे। तो हमारी बॉडी में क्या है, देखिए हमारी बॉडी में जो भी विटामिन्स होते हैं जब तक वो बाहर हैं तब तक वो एक्टिव फॉर्म में नहीं हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, तब वो हमारे काम में आते हैं, तब वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ वो एक्टिव होते हैं।
तो हमारा बहुत सारा जैसे विटामिन डी डी है वो लीवर में गया, लीवर से फिर उसके बाद किडनी में गया, तब जाके वो एक्टिव हुआ। तो ये सारा हो गया सनलाइट के एक्सपोजर से, कैसे कैसे सनलाइट के एक्सपोजर से हमारा जो विटामिन डी है वो एक्टिव फॉर्म में आता है। अब पढ़ते हैं कि डाइटरी सोर्सेज से हमें कैसे विटामिन डी हमारा जो है वो एक्टिव फॉर्म में आएगा। तो डाइट में मैंने दो टाइप के दिए हैं, फिश एंड फोर्टिफाइड फूड से विटामिन D3 मिल रहा है और एग ऑक से क्या मिल रहा है हमारा D2 मिल रहा है। इर्गो कैल्सिफिरॉल बोलते हैं D2 को और D3 को बोलते हैं कोल कैल्सिफिरॉल। फिर ये क्या है, ये डायरेक्टली हमारा ये जो D2 D3 ये डायरेक्टली हमारे लीवर में जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये बनाते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, क्या बनाते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। फिर ये जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 है वो जाता है हमारे किडनी में, फिर किडनी में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलेज 1 हाइड्रोक्सिलेज ये बनाता है 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 जो कि क्या है एक्टिव फॉर्म है हमारे विटामिन का। तो हमारे डाइट्री सोर्सेज से भी यही बन रहा है, वही प्रक्रिया हो रही है और हमारे सन के एक्सपोजर से भी वही प्रक्रिया हो रही है। तो ये सारा स्टेप है कि कैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होता है हमारे विटामिन डी में। तो पहला है हमारा सनलाइट एक्सपोजर और दूसरा है डाइट्री सोर्स। तो हमारे डाइट्री सोर्स भी जो विटामिन डी में होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उसके बाद ये सारे एंजाइम उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बाद तब ये जाके हमारा विटामिन डी जो है वो एक्टिव फॉर्म में आता है और हमारी बॉडी में जो मैंने पीछे पढ़ाया है वो सारे काम हमारी बॉडी में करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।